यूपी में सीएम योगी ने होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स आदि की गहन जांच, स्टाफ के सत्यापन और मालिकों मैनेजर का नाम डिस्प्ले करने के दिए निर्देश। गंदी मिलावट के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम पद संभालने के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी। गाजीपुर में एसटीएफ ने किया 1 लाख के इनामी बदमाश बिहार निवासी मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू का एनकाउंटर, कई हत्याओं के थे आरोप। कुशीनगर में पुलिस ने किया नकली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान सहित 10 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा छावनी से बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश का एक पत्र हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। लिखा, आगरा पुलिस दे रही है भू माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण, सीएम योगी को दूंगा सबूत। बीजेपी विधायक के पत्र पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, बीजेपी राज्य में कमिश्नरेट बन गए हैं करप्शनेट। बुलंदशहर जिले में जर्जर सड़कों, ई रिक्शा और जाम आदि से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बुलंदशहर ने आज अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। यूपी सरकार का सख्त आदेश, 30 सितंबर तक नहीं मिला चल अचल संपत्ति का विवरण तो नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन। मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज बुलंदशहर की राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेविकाओं द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस। लगाया गया स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के नाम एक पौधा। रेल दुर्घटना स्थलों पर कम से कम समय में पहुंचकर राहत और बचाव के लिए भारतीय रेलवे ने किया रेल रक्षक दल का गठन। उत्तर पश्चिमी रेलवे को दी यह जिम्मेदारी। आगरा के एक थाने में शिकायत दर्ज करने आए वृद्ध व्यक्ति अचानक हुए बेहोश। थाने में CPR देकर बचाई गई जान। वापस लाए जाएं किसानों से जुड़े तीनों कानून। कंगना ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। हमलावर हुआ विपक्ष। केंद्र सरकार द्वारा शंख एयरलाइन को मिली देश में उड़ान भरने की मंजूरी। अब आसमान में दिखेगी एक नई एयरलाइन।